वह कौन सा शासक था जिसने दिल्ली की गद्दी के लिए अपने चाचा की हत्या कर दी? नमस्कार दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था और उसने अपना शासन दक्षिण भारत के मथुरा तक फैला रखा था। तो आइए जानते हैं खिलजी के बारे में, जो अपनी वीरता के साथ प्यार इक्स के लिए भी जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। खिलजी ने राज्य को पाने की चाह में साल 1996 में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। दिल्ली में स्थित बलवन लाल महल में अपना राज्याभिषेक संपन्न करवाया। मथुरा तक अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाले खिलजी का नाम राजस्थान के इतिहास में भी दर्ज है। इतिहासकारों के अनुसार खिलजी ने अपने प्यार की वजह से राजस्थान के चित्तौड़ पर भी हमला कर दिया। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी पद्मावती चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह के साथ ब्याही गई थी। रानी पद्मावती बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती पर एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नज़र पड़ गई। चित्तौड़गढ़ के किले के दर्पण में उसने रानी को देखा था। रानी के सौंदर्य को देखकर खिलजी रानी की तरफ आकर्षित हो गया। चित्तौड़ को लूटने वाला अलाउद्दीन खिलजी राजसी रानी पद्मावती को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। खिलजी ने महाराणा रत्न सिंह के पास संधि का प्रस्ताव भेजकर उसने धोखे से महल में प्रवेश किया, इसलिए उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। चालाकी से राजा रत्न सिंह को बंधक बना लिया। उसके बाद रानी पद्मावती ने राजा रत्न सिंह को छुड़वा लिया, जिससे गुस्सा होकर खिलजी ने काफ़ी समय तक चित्तौड़ के किले का घेराव किए रखा। बाद में राजपूतों ने खिलजी से समझौता कर लिया। इससे नाराज पद्मावती ने 18 अगस्त 1303 को चित्तौड़ के इतिहास में पहला जौहर हुआ, जिससे कई छत्राड़ियों ने जौहर किए। खिलजी को लेकर कई किताबों में दावा है कि उसके हरम में कई पुरुष भी थे। इतिहासकारों की माने तो अलाउद्दीन खिलजी के हरम में करीब 70,000 आदमी, औरतें और बच्चे शामिल थे। औरतों के सार्वजनिक नाच पर रोक थी, जिसके चलते नौजवान लड़कों को औरतों के लिबास पहनाकर नचाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की नज़र एक दिन हरम में मौजूद मलिक कफूर पर पड़ी थी और उसे गुजरात की जीत के बाद 1,000 दिनार देकर खरीदा था। तारीख ए फिरोज शाही जैसी किताबों में कपूर के साथ अलाउद्दीन के संबंधों का जिक्र किया जाता है। नौजवान और बिना दाढ़ी वाले पुरुष उसकी कमजोरी माने जाते थे। कपूर के साथ करीबियों के चलते अलाउद्दीन ने कपूर को अपनी सेना का कमांडर बना दिया था। कहा जाता है कि कपूर ने खिलजी के मौत की साजिश भी रची। दोस्तों, मैंने आप सबसे एक सवाल किया था, वह कौन सा शासक है जिसने दिल्ली की गद्दी के लिए अपने चाचा की हत्या कर दी? तो इस ऐतिहासिक कहानी को जानने के बाद तो आपको पता ही चल गया होगा कि वो और कोई नहीं अलाउद्दीन खिलजी ही था। भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।